हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9 पर हार्दिक स्वागत है। तो हम आज निरंतर वही क्लास सीआरपीएफ की जो 6 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट हुई है उनके क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। जो सेकेंड शिफ्ट थी 6 जुलाई की, उसमें क्वेश्चन इस प्रकार आए हैं कि अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो इस आधार कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कब की गई, 1906 में ढाका के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो सेकंड शिफ्ट में आया था 6 जुलाई को, ऐसे ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये 5 मार्च 1931 के अंदर हुआ था। ये इतिहास के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको निरंतर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2001 जनगणना पर आधारित क्वेश्चन थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। ये क्वेश्चन आया था, तो किस जिले की थी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कौन सा जिला, महाराष्ट्र में कोई जिला है ठाणे नाम का, उसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट के अंदर जनसंख्या का एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता है और कोई एक क्वेश्चन मिलता है नृत्य पर आधारित। तो अगला क्वेश्चन था, वैसे ये सभ्यता का है कि नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहाँ मिली, महिला की मूर्ति कौन सी सभ्यता या कहाँ मिली थी। तो कौन सी सभ्यता मिली, मोहनजोदड़ो के अंदर, ठीक है। तो सभ्यता पर आधारित एक क्वेश्चन तय है, फिक्स है कि हर शिफ्ट के अंदर सभ्यता का एक क्वेश्चन, जनसंख्या का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। कल चोल वंश का आया था फर्स्ट शिफ्ट में, अभी आ गया विजयनगर की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1336 के अंदर। तो ऐसे ही अन्य साम्राज्य हैं जो इतिहास में, उन सभी का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उनके शासक और उनकी स्थापनाकर्ता कौन सा शासक कब हुई थी, इस पर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य पर क्वेश्चन आना फिक्स है। तो सवाल था कि क्षत्रिय नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो कौन से राज्य से है, क्षत्रिय नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, असम से, कौन से राज्य है, असम से, जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक फिक्स आता है लोक नृत्य सांस्कृतिक नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्तूप किससे संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला हमें, स्तूप किससे संबंधित है, तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्तूप किसके हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बौद्ध धर्म के स्तूप क्या है, सर्वाधिक है, किसके, बौद्ध धर्म के स्तूप हैं जो सर्वाधिक मिलते हैं। तो स्पष्ट रूप से ऑनलाइन पेपर में हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिलता है, हम बच्चों से पूछकर आपके सामने लाते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन मिला है कि स्तूप संबंधित था, तो बौद्ध धर्म के स्तूप सर्वाधिक है, तो एक बार जो चारों धर्म है उनको देख कर जाना कि जिसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब हिंदी का क्वेश्चन था मुहावरे का,
कि हाथ पर हाथ धरे रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। वैसे हिंदी के समास संधि और जो एक शब्द है उन पर वाक्यांश से एक शब्द है वो सवाल ज़्यादा आता है। आज सेकंड शिफ्ट में मुहावरे का सवाल आया कि हाथ पर हाथ धरे रहना, हाथ पर हाथ धरे रहना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, खाली बैठे रहना या खाली बैठना। ठीक है, ऐसा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंक किस वर्ष में सत्य प्रताप को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन आया था विलियम बेंटिंक जो गवर्नर था उसने सत्य प्रथा पर रोक कब लगाई है, सत्य प्रथा कब समाप्त की। ठीक है, तो कब की थी, 1829 के अंदर कब की थी, 1829। तो जो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं उन पर या तो कौन से शासक ने रोक लगाई या कब लगाई, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं। भूगोल का भूगोल संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन था कि कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में मिलती। तो कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो खासी या इस प्रकार कुछ विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां हैं हिमालय संबंधित। आप एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा, देखकर जाना वो संबंधित जो भी पहाड़ियां हैं उनकी हाइट वगैरह या कौन से क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष में कम से कितने वर्ष के कितने वर्ष से कम बच्चों को है जो काम करवाना निषेध है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला। स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन यही क्वेश्चन था कि कितने वर्ष से कम बच्चे को कार्य करना निषेध है। तो वैसे आपको पता है बाल 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कार्य करना निषेध है जो बाल श्रम के अंदर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है। अंधकार का विलोम शब्द, ऐसा हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था विलोम शब्द पर आधारित, और पहले क्वेश्चन था मुहावरे संबंधित आधारित। तो विलोम शब्द अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तमीर प्रकाश। अगला क्वेश्चन था, जल संचयन विधि कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। जल संचयन की विधि में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर। तो कौन सा राज्य है, वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य, तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास का क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी का भाई का क्या नाम था। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, मोहम्मद गोरी के भाई का नाम। तो क्या था, गयासुद्दीन मोहम्मद। इतिहास का क्वेश्चन आया था मोहम्मद गोरी के भाई का नाम। अगला क्वेश्चन था, संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन था कि संपत्ति का अधिकार मतलब ये था कि कब मौलिक अधिकार 7 से घटकर 6 रह गए। अब की बार ये पूछ लिया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है
उसे कब हटाया गया, कौन से संविधान संशोधन में, या संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था, तो कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1978 के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जो आगामी शिफ्ट होगी उनमें मिलेंगे। तो संविधान पर आधारित सवाल आना फिक्स है, इन पर आधारित आते हैं, नृत्य आधारित सवाल आते हैं, और जो इतिहास में सभ्यताओं में एक क्वेश्चन आता है, और जो भी वंशज है, वंश है उनके शासक वगैरह या उनकी स्थापना वगैरह, उनमें एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो ये था 6 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट का पेपर। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट का पेपर भी लाएंगे, और जो भी CRPF के अगले शिफ्टों में पेपर होंगे उनका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आएंगे, आपको बताएंगे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और नेक्स्ट आगामी भर्तियां हैं, जो आर्मी है, SSC है, दिल्ली पुलिस है, जो भी भर्तियां हैं उनके पेपर आपके सामने जैसे एग्जाम होगा तुरंत यहाँ सोल्व किया जाएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहे और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।